मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र में हुआ है। सभी लोग एक पिकअप में सवार थे जो रास्ते में पलट गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। घायलों को शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिन 14 लोगों की मौत हुई है उनमें 6 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक गोद भराई कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक जताते हुए इस दुर्घटना में शामिल लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपत्या उइके जी को भेजा है, साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया। वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि रात को बीती रात की घटना है, पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है, और निजी वाहन में खुद ने खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए हैं, कोई वो भाड़े की कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जाँच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जो जवाबदार होगा उस सब संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने कहा है वैसा अभी तो हमने किया है, जैसा और आवश्यकता पड़ती है वैसे काम करते जाएंगे। इस सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार वालों के साथ हैं। भगवान उन्हें इस कठिन समय में संबल दे। मैं सभी घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा है। वहीं इस दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों के हताहत होने के समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मेरी प्रार्थना है कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लिखा, मध्य प्रदेश के बड़झर घाट पर हुए दुखद हादसे में लोगों की मौत की खबर से बहुत दुख हुआ। मैं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस कठिन समय में उन्हें शक्ति और समर्थन मिले। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों से मिली। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देकर सरकारी सहायता का भरोसा दिया। वहीं स्थानीय विधायक ओम प्रकाश दुर्वे भी घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। ये हम सब लोगों को बहुत खेद है, और जिस तरह से ये जो हादसा सड़क हादसा हुई इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं, और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, अचानक ये घटना में, और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख, जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख करके मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है, और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजह पिकअप का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और 20 फीट नीचे खेत में जाकर गिरी। डिंडोरी के कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि घायल लोगों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक यात्री की मौत इलाज के लिए ले जाते समय हुई है। हादसे के वक्त पिकअप में 35 लोगों के सवार होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वाहन का बीमा अगस्त 2021 और फिटनेस सितंबर 2022 में एक्सपायर हो चुका था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी हरीश। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिलल डॉग। शुक्रिया।